हमने पिछले वीडियो में सीखा था, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। पहला है इन्वेस्टिंग। अगर इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, कंपनी जिस इंडस्ट्री में है आने वाले समय में वो इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगा, उसमें ग्रोथ है या नहीं, कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ क्या होगा, बॉटम लाइन ग्रोथ क्या होगा। बहुत सारी फंडामेंटल चीजें होती है जो कि इन्वेस्टिंग में आपको देखनी पड़ती है। सारा फंडामेंटल एनालिसिस के बाद भी आपको थोड़ा सा टेक्निकल बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिससे आपकी एंट्री और एग्जिट कर सके इन्वेस्टिंग में। वहीं अगर आप दूसरे तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं जो कि है ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल स्किल होना चाहिए, मतलब टेक्निकल स्किल आपका पूरा डेवलप होना चाहिए तभी आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग से इंट्राडे में आप कमा सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हमने सीखा था कि ट्रेंड को आपको पहचानने आना चाहिए, ट्रेंड क्या है, और ट्रेंड को पहचानने के लिए सबसे जो हमें हेल्प करता है वो है कैंडलस्टिक, और ट्रेंड का स्ट्रेंथ क्या है, ये जो ट्रेंड है ये कितना मतलब बुलिश है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना मोमेंटम है, जिससे हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है बाइंग में और सेलिंग में, उस स्ट्रेंथ को उस मोमेंटम को जानने के लिए हमें सीखना पड़ता है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक हमें हेल्प करता है कि जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कितना मोमेंटम है, वो मोमेंटम हमारा एक्सेलरेट हो रहा है या मोमेंटम हमारा डिसेलरेट हो रहा है, वो मोमेंटम कितना दूर जाने के बाद कब एंड होगा, मतलब कब हमें एग्जिट होना चाहिए उस ट्रेंड से, ये सारे एनालिसिस के लिए आपको सीखना पड़ेगा कैंडलस्टिक और इसके पैटर्न। साथ ही पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैंडलस्टिक क्या है और ये कैसे बनता है, तो आज के वीडियो हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के कौन कौन से पैटर्न है। देखिए, एक सिंगल कैंडल जो होता है वो भी पैटर्न बनाता है, एक सिंगल कैंडल वो खुद अपने आप में एक पैटर्न है, फिर दो कैंडल मिलकर के भी पैटर्न बनता है तो डबल कैंडल पैटर्न कहते हैं, फिर तीन कैंडल मिलकर भी बनता है तो जिसे हम थ्री कैंडल पैटर्न करते हैं, और तीन से अधिक कैंडल के मिलने से भी पैटर्न बनता है। तो ये सारे पैटर्न आपको सीखने पड़ेंगे, ये सारे पैटर्न एक ही वीडियो में संभव नहीं है, तो हम इस वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे। फिर आपको कमेंट करना है कि आपको आगे जो है डबल कैंडल पैटर्न, थ्री कैंडल पैटर्न, ये सारे पैटर्न भी सीखने हैं, और जो तीन से अधिक कैंडल से मिलने से पैटर्न आता है वो भी सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में आपको हमें बताना है कि कौन कौन से पैटर्न आप सीखना चाहते हैं। इस वीडियो में हम सारे सिंगल कैंडल वाले पैटर्न को सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो कैंडल बनता है हमारा, ये जापानीज वर्ड से लिया गया है, जैसे कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद प्राइस इस तरह से थोड़ा सा नीचे गया, फिर इस तरह से ऊपर चला गया, फिर नीचे आया और यहाँ पर क्लोज हो गया। जैसे प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, मान लेते हैं 100 रुपीज पे, ये नीचे आया 90 रुपीज में, ऊपर गया ये 130 तक, फिर यहाँ पर क्लोज हो गया मान लेते हैं 120 पर। ये जो ओपनिंग प्राइस है और ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इसके बीच हम कैंडल को ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने कैंडल को ड्रॉ कर दिया। फिर जो ये प्राइस ऊपर गया, इस प्राइस को हम दिखाते हैं वीक के माध्यम से, इस तरह से वीक दिखा देते हैं। तो ये इस वीक का जो ये लास्ट पॉइंट है, ये दिखाता है कि कितना हाइएस्ट प्राइस हुआ। फिर ये जो नीचे का ये मतलब प्राइस नीचे गया था, इसको हम दिखाते हैं नीचे के वीक से। तो ये वीक दिखाता है मतलब इस वीक का जो लास्ट पॉइंट है कि कितना लो बनाया। तो ये वीक का जो हाई है ये हाईएस्ट प्राइस दिखाता है, और वीक का जो लो है लोवेस्ट प्राइस दिखाता है, और कैंडल यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसको ओपनिंग प्राइस कहते हैं, और यहाँ पर इस कैंडल के लास्ट यहाँ पर जो क्लोज हुआ उसको क्लोजिंग प्राइस कहते हैं, और ये कैंडल होता है ग्रीन कैंडल। इसे जनरली हम ग्रीन कैंडल से यूज करते हैं जिसमें ओपनिंग नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है। वहीं जब ओपनिंग ऊपर हो और क्लोजिंग नीचे हो जाए तो इसे हम रेड कैंडल से दिखाते हैं। रेड कैंडल मतलब हुआ प्राइस ऊपर ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, ये कब होगा। जैसे देखिए, यहाँ पर ओपनिंग हुआ किसी भी स्टॉक के प्राइस का, ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे ये फॉल किया, फिर जाकर के ऊपर थोड़ा सा ये क्लोज दिया, तो ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया ओपनिंग प्राइस, फिर ये आपका हो गया हाई प्राइस, और ये हो गया आपका लो प्राइस। तो कैंडल का जो है कुल यहाँ पर दो पार्ट मुख्य रूप से आया, एक वीक, दूसरा बॉडी। वीक जिसको हम शैडो भी बोलते हैं, इस वीक और इस शैडो का अलग अलग आकार, अलग अलग कैंडल का रूप होगा जिसे हम आगे सीखने वाले हैं। अरे, कैंडल जो मुख्यतः दो टाइप के ही कैंडल होते हैं, एक हो गया आपको ग्रीन कैंडल जिसको हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं, ये दिखाता है प्राइस नीचे ओपन हुआ ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब प्राइस में यहाँ इंक्रीज देखने मिलता है, तो प्राइस में जब इंक्रीज हो वो बुलिश कैंडल कहते हैं, और इसे चार्ट पर मुख्य रूप से ग्रीन रूप में हम यूज करते हैं। वहीं दूसरा कैंडल होता है जहाँ प्राइस ऊपर ओपन हुआ नीचे जाके क्लोज हुआ, इसे हम बेयरिश कैंडल कहते हैं,
और इसे जनरली हम रेड के रूप में यूज करते हैं चार्ट पर। तो जब चार्ट में यूज करेंगे रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है, और ये वीक जो हो गया वीक का लास्ट पॉइंट हाई प्राइस को दिखाता है और इसको हम अपर साइडो कहते हैं, ये दोनों कैंडल और ये लोअर साइडो। अब कैंडल हमें सिग्नल क्या देता है, देखिए जैसे ग्रीन कैंडल बने मतलब हमें सिग्नल मिलता है कि हाँ प्राइस ऊपर जा सकता है, ये हमें सिग्नल देता है, ये हमें बताता है या कहीं इंफॉर्मेशन देता है कि प्राइस यहाँ पर ऊपर जा सकता है स्टॉक का। वहीं जैसे रेड कैंडल बना मतलब प्राइस यहाँ पर नीचे गिर सकता है। तो ग्रीन कैंडल जो है पूरी तरह से इसमें वायर भरा हुआ रहता है, इसमें समझिए पूरी तरह से वायर भरा हुआ है, ये पूरे वायर को एब्जॉर्ब करके रखता है और इसमें पूरी तरह से सेलर भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो है स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ सेलर आया है, पूरे के पूरे सेलर यहाँ पर स्टॉक को सेल कर रहा है, तो मतलब प्राइस यहाँ पर नीचे गिर सकता है, वो सिग्नल देता है हमारा रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल हमें स्टॉक के प्राइस के ऊपर जाने का सिग्नल देता है, रेड कैंडल हमें शेयर के प्राइस को नीचे गिरने का सिग्नल देता है। जितने भी सिंगल कैंडलस्टिक के टाइप हैं उसकी चर्चा अब हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला जो सिंगल कैंडल है वह है मारुबाजू, इसमें एक ग्रीन मारुबाजू हो गया, दूसरा बेयरिश मारुबाजू। इसमें कहते हैं जब इसमें कोई वीक ना हो, ये जो वीक होता है ये वीक ना हो, डायरेक्ट प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और यहीं पर आकर के क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस भी हो गया और इसका ये हाई प्राइस भी हो गया, फिर ये ओपनिंग प्राइस है, इसका लो प्राइस है। जब इस तरह का कैंडल हो तो उसे हम बुलिश मारुबाजू कहते हैं, मतलब इसमें कहीं कोई सेलर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ इसमें बायर है। तो ये कैंडल कब फॉर्म होता है, जिसे प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के साथ डायरेक्ट ये ऊपर चला गया। तो ये कैंडल जो है प्राइस के स्ट्रेंथ को दिखाता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और सबसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट बुलिश कैंडल है। इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के नीचे आने की संभावना काफी कम हो रहती है। फिर वही दूसरा जो है बेयरिश मारुबाजू, जब प्राइस ऊपर ओपन हुआ और डायरेक्ट नीचे आ गया तो इस तरह के कैंडल दिखाता है कि यहाँ पूरी तरह से सेलर कंट्रोल में है। ये कैंडल पूरी तरह से दिखाता है कि यहाँ पर सेलर भरा हुआ है, मतलब जो प्राइस है वो सेलर के कंट्रोल में और वो प्राइस को नीचे लेके आएगा, और यहाँ पर जो ओपनिंग होता है यही इसका हाई प्राइस होता है और जो क्लोजिंग होता है वही इसका लो प्राइस होता है। तो अब हम चार्ट पर देखेंगे किस तरह से बुलिश मारुबाजू बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और बेयरिश मारुबाजू बनने के बाद प्राइस जो वहां से गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं कि ये है बुलिश मारुबाजू। जैसे ये मारुबाजू बना यहाँ से प्राइस डायरेक्ट ऊपर गया, कभी वापस नीचे नहीं गिरा और प्राइस ऊपर ही चलता गया। अब देखिए हम और पीछे चलते हैं, जैसे ये पीछे चलते जाते हैं, पीछे चलते जाएंगे, देखिए यहाँ पर प्राइस जो यहाँ पर मारुबाजू बना थोड़ा सा इसमें वीक है लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर ही चलता गया। यहाँ पर मारुबाजू बना, देखिए इस मारुबाजू को प्राइस ब्रेक नहीं किया, ऊपर ही गया। ये कैंडल मारुबाजू कैंडल, जितना बड़ा ये कैंडल होगा उतना ही ज्यादा प्राइस में स्ट्रेंथ होगा, और यहाँ से प्राइस देखिए कभी भी वापस नहीं गिरा, जितना बड़ा ये कैंडल बना उतना ही ऊपर चलते चला गया। तो ये बुलिश मारुबाजू कैंडल है, इसके बनने के बाद प्राइस में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है और वहां से प्राइस ऊपर ही जाता है, कभी नीचे नहीं गिरता। अब देखिए बात करते हैं बेयरिश मारुबाजू का, देखिए यहाँ पर बेयरिश मारुबाजू कैंडल बना, इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया बल्कि प्राइस यहाँ से नीचे गिरते चला गया। फिर यहाँ पर देखिए बेयरिश मारुबाजू बना और इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, वापस गिरते चला गया। ये देखिए बेयरिश मारुबाजू बना, देखिए छोटा सा इसमें वीक है, इसको इग्नोर करेंगे, पूरी तरह से किताबी भाषा जो किताब में हम पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं, वो बुक इस नॉलेज यहाँ नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इग्नोर करना है, ये वीक निग्लेजिबल है, नहीं के बराबर है, और यहाँ से देखिए प्राइस नीचे ही गिरता चला गया। ये कैंडल दिखाता है कि यहाँ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्प्रिंट है बेयरिश मार्केट का, मतलब प्राइस के फॉल होने का, और यहाँ से प्राइस वापस ही गिरता चला गया। तो जहां पे भी आपको बेयरिश मारुबाजू कैंडल दिखता है वहां पर उसके नीचे आपको सेल करना है और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। फिर देखिए आप इस प्रॉफिट को राइट करते जाइए, जब तक ट्रेंड रिवर्सल ना दिखे आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आप यहाँ पे भी देखिए, अगर यहाँ पर बेयरिश मारुबाजू देखा, आप यहाँ पर सेल करते इसके नीचे और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और ये नीचे ही चलता गया। वही बात करें बुलिश मारुबाजू का, तो देखिए यहाँ पर आप इस कैंडल के ऊपर बाय करते और इसके कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहते, आपका यहाँ पर काफी गजब का प्रॉफिट होता, कभी भी प्राइस नीचे फॉल नहीं किया, उसके बाद ऊपर ही चलता गया। तो जैसे बुलिश मारुबाजू देखता है तो आपको बाय करना है, बेयरिश मारुबाजू देखता है तो आपको सेल करना है। तो जैसे यहाँ पर बुलिश मारुबाजू दिखा, यहाँ पर आप बाय करते, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखते, यहाँ पर देखिए काफी गजब का प्रॉफिट आपका होता। देखिए दूसरा जो कैंडल है वो है बुलिश बेल्ट होल्ड, ये भी काफी गजब के स्प्रिंग को दिखाता है। ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, जैसे यहाँ प्राइस ओपन हुआ डायरेक्ट ऊपर गया लेकिन क्लोज होते समय थोड़ा सा नीचे आ गया, क्लोज होते समय जो है प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया,
तो ये थोड़ा सा जो प्राइस नीचे आकर यही हमें वीक के रूप में दिखाई देता है, शैडो के रूप में। तो ये भी काफी गजब के प्राइस स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसमें जो ओपन होता है वो लो के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ जो क्लोजिंग होता है वो थोड़ा सा हाई के नीचे होता है, बस थोड़ा सा हाई के नीचे होता है। ज्यादातर आपको यही कैंडल दिखेगा, ज्यादातर जो आपको दिखेगा जो मोरबाजू की जगह आपको यही बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल दिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा वीक निकला रहता है ऊपर या नीचे, तो आपको ज्यादातर यही बुलिश बेल्ट दिखेगा मोरबाजू की तरह। ये भी उतना ही स्ट्रेंथ को दिखाता है, बस थोड़ा सा कम बुलिश है, मोरबाजू थोड़ा ज्यादा बुलिश है। वहीं जब ये कैंडल रेड होगा तो इसको हम बियरिश बेल्ट होल्ड कहेंगे, और ये कैंडल बनता है जब प्राइस यहाँ ओपन हो, डायरेक्ट ये नीचे आ गया, नीचे आया लेकिन क्लोज होते समय थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसको हम बियरिश बेल्ट होल्ड कहते हैं। यहाँ पर ओपन जो है हाई के बराबर होता है, लेकिन जो यहाँ क्लोजिंग होता है वो थोड़ा सा लो के ऊपर होता है, लो से थोड़ा क्लोजिंग ऊपर होता है। ज्यादातर यही कैंडल आपको भी देखने मिलेगा, बियरिश मोरबाजू के जगह आपको बियरिश बेल्ट होल्ड देखने मिलेगा। ये कैंडल भी काफी स्ट्रेंथ को दिखाता है, यहाँ पर जो सेलर का स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, बायर काफी निग्लिजिबल है, बायर नहीं के बराबर है। अब देखिए जैसे हम चार्ट पर आ गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपको कैंडल जो दिखेगा ये तो आपका सॉलिड मोरबाजू कैंडल है, लेकिन ज्यादातर आपको जो कैंडल दिखेगा वो आपको बुलिश बेल्ट होल्ड या बेयरिश बेल्ट होल्ड दिखेगा। अब देखिए बुलिश बेल्ट होल्ड की बात करें तो ये कैंडल बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल है। इसके बाद देखिए थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर करेक्ट किया, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया, जिस दिन ब्रेक किया तो यहाँ पर एक फिर से बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल है। इसका वीक थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ है ऊपर, इस नीचे कम है, निग्लिजिबल है। तो देखिए फिर ये आप बाय करते तो किसी भी कैंडल के लो को नीचे ये क्लोजिंग नहीं दिया, तो आप यहाँ पर बाय करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते क्लोजिंग बेसिस, तो देखिए यहाँ पर काफी जबरदस्त आपका प्रॉफिट बनता। ये फिर आते हैं पीछे, ये देखिए बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल बना और यहाँ से प्राइस देखिए ऊपर गया। तो देखिए ये कैंडल काफी सॉलिड एग्जांपल है बुलिश बेल्ट होल्ड का। तो यहाँ पर कैंडल बना, थोड़ा सा यहाँ पर वीक बना, थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस करेक्ट किया, फिर वापस ऊपर चला गया। उसी तरह आप बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना सॉलिड बियरिश बेल्ट होल्ड कैंडल का है। यहाँ पर ये कैंडल काफी सॉलिड कैंडल बना, थोड़ा सा नीचे वीक बना, इसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया लेकिन वापस नीचे गिरते चला गया। इस तरह से आप बुलिश बेल्ट होल्ड और बेयरिश बेल्ट होल्ड को ट्रेड कर सकते हैं, दोनों कैंडल काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब देखिए जो तीसरा कैंडल आता है वो है बुलिश हैमर और बेयरिश हैमर। अब देखिए ये कैंडल का में जो बॉडी होता है, बॉडी से कम इसका जो यहाँ पर शैडो होगा वो कम से कम 2x होना चाहिए, या 3x हो या 3x से ज्यादा हो तो ज्यादा बेटर है, कम से कम 2x से ज्यादा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए 2x से बड़ा, तभी जाकर के ये हम इसको एक जो है सॉलिड बुलिश हैमर कहेंगे, क्योंकि ये हथौड़े के जैसा आपको दिख रहा है, तो हथौड़े के जैसा ये दिखता है इसलिए हम बुलिश हैमर कहते हैं। और यहाँ पर ये कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है, जैसे देखिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद ये वापस प्राइस ऊपर चला आया। यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर यहाँ तक सेलर हावी था, लेकिन अब यहाँ पर कौन आ चुका है, बायर आ चुका है, ये यहाँ पर बायर आ चुका है। तो यहाँ पर ये क्लोजिंग हुआ है और यहाँ पर ओपनिंग हुआ था, तो यहाँ पर ओपनिंग हुआ था प्राइस का, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, तो इस तरह से बुलिश हैमर बनता है। अब देखिए इसमें हो सकता है कि कभी प्राइस यहाँ से जो ओपनिंग हुआ था ओपनिंग से भी ऊपर चला जाए, तो ये ग्रीन हैमर बनेगा, और अगर प्राइस ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ तब बेयरिश हैमर बनेगा। अगर ये ग्रीन हैमर बने तो और ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइस यहाँ तो और ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाया, मतलब अब यहाँ पर जो ग्रीन हैमर है इसमें अंत में सिर्फ और सिर्फ बायर बचा था, और यहाँ पर जो रेड हैमर है इसमें थोड़ा सा सेलर बचा हुआ था। देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे सिर्फ सेलर ही सेलर था, लेकिन अंत में यहाँ पर बायर काफी ज्यादा एग्रेसिवली आया जिसके कारण ये हैमर बना, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इसमें जो डोमिनेशन है थोड़ा सा सेलर का बच गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस हैमर को ब्रेक करेगा अगला कैंडल तो अब हम इसको बाय करेंगे, क्योंकि जैसे ब्रेक करेगा तो यहाँ सिर्फ बायर बचेगा, सारा का सारा सेलर जो है वो इलिमिनेट हो चुका होगा। तो ये कैंडल जो है तब दिखता है जब यहाँ पर कोई डाउन ट्रेंड हो, जब लंबे डाउन ट्रेंड के बाद ये हैमर बने तो समझ जाइए कि आपको यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब देखिए जैसे हम चार्ट पर यहाँ आए हुए हैं, तो चार्ट देखिए यहाँ लगातार यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ पर हैमर बना, और इसका कलर कोई मैटर नहीं करता, ये कलर से हमें कोई मैटर नहीं, ये ग्रीन है या रेड है। तो यहाँ देखिए हैमर बना और यहाँ से प्राइस डायरेक्ट ये ऊपर चलता गया, तो बहुत ही ज्यादा हैमर जो है प्रॉफिटेबल होता है। अब जैसे हैमर बना तो हैमर
का जो पिछला कैंडल है, ये जो कैंडल है इसके हाई को जब ब्रेक करेगा तब आप बाय करेंगे, तो यहां पर आपका बाइंग होगा और इसके जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो जैसे हैमर के पीछे वाला जो कैंडल है, ये कैंडल रेड हो चाहे जो भी हो, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, जनरली आपको ये रेड कैंडल ही बनेगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद हमें हैमर देखने मिलता है, तो यहाँ पर आप जो है इसके ऊपर बाय करेंगे इस कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद, और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो देखिए काफी अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता। अब देखिए यहाँ पर प्राइस लगातार नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पर देखिए हैमर बना, इसमें थोड़ा सा है को ऊपर भी साइड आ गया छोटा सा, लेकिन हमें मेन देखना है इसका इफेक्ट। यहाँ पर नीचे जो है इसका भी काफी बड़ा है, तो ये हैमर बना और यहाँ देखिए प्राइस ऊपर चलते चला गया। देखिए यहाँ पे भी हैमर बना था लेकिन ये ट्रेंड काफी छोटे समय के लिए था, यहाँ हैमर बना तो ये छोटा सा एक पुल बैक आया। अगर आप इस हैमर पे भी बाय करते तो यहाँ देखिए 1:1 का टारगेट आपको अचीव हो जाता, 1:1 का टारगेट आपको फिर भी अचीव हो जाता। यहाँ पर हैमर बना तो ये जैसे आप जो है लोअर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे यहाँ पर एंट्री के लिए और फिर एग्जिट के लिए। अब देखिए अगला जो कैंडल है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्म होता है जब एक लंबा अप ट्रेंड चला हो। अब लंबे अप ट्रेंड के बाद जब टॉप पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो हम मानते हैं कि अब ये अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, और जैसे शूटिंग स्टार के लो ब्रेक होगा ये डाउन ट्रेंड बन जाएगा। तो लंबे अप ट्रेंड के बाद ये कैंडल फॉर्म होता है। ये कैंडल बनता कैसे है तो यहाँ पर देखिए जैसे ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये प्राइस ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर जो बायर एग्रेसिव रूप से था, अब बायर के ऊपर डोमिनेट हो गया सेलर और इस प्राइस को नीचे लाना शुरू किया, नीचे लाना शुरू किया, और यहाँ पर जो ओपनिंग था उससे भी नीचे ला दिया। तो जब ओपनिंग से भी नीचे ला देगा मतलब क्लोजिंग नीचे होगा, तो ये हो जाएगा रेड, ये हो गया रेड और ये ऊपर हो गया अभी। अब देखिए इस कैंडल में पहले यहाँ पर बायर काफ़ी एग्रेसिव रूप से था, उसके बाद आ गया सेलर, तो अंत में कौन डोमिनेट हुआ इसमें, सेलर। वहीं अगर ये ओपनिंग से थोड़ा सा क्लोजिंग ऊपर ही होता तो ये बनता ग्रीन शूटिंग स्टार, और क्लोजिंग थोड़ा ओपनिंग से नीचे हुआ तो ये बना रेड शूटिंग स्टार। लेकिन हमें कलर से कोई मैटर नहीं है, ये कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है कि एक लंबे अप ट्रेंड के बाद अगर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और जैसे शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होगा ये अप ट्रेंड बन जाएगा अब डाउन ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पर चार्ट पर हम आए हुए हैं तो देखिए चार्ट पर कितना बेहतरीन शूटिंग स्टार दिखा है, एकदम सॉलिड ये शूटिंग स्टार, और इसके बाद देखिए कि प्राइस में काफी नीचे गिरावट हुआ, तो यहाँ पर काफी बेहतरीन प्रॉफिट आपको प्राप्त होता अगर आप इसके लो ब्रेक होने के बाद, जैसे ये लो ब्रेक होता है इसका, आप यहाँ पर ट्रेड लेते, यहाँ पर सेल करते और इसको राइट करते, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर धीरे धीरे ये ट्रेंड जो है साइडवेज हो गया, तो जैसे साइडवेज होता है तो आप यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक करते, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर आपको प्रॉफिट प्राप्त होता। अब देखिए जैसे यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, अब यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार बना, फिर से एक शूटिंग स्टार बना, देखिए यहाँ पर ग्रीन और रेड दोनों शूटिंग स्टार बन चुका है। उसके बाद जैसे इस आप यहाँ पर सेल करते, सेल के बाद देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आपको प्राप्त होता, जैसे ये यहाँ पर रीजन है, ये डिमांड रीजन है, तो डिमांड रीजन के पास आया तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते, तो कितना अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट आपको प्राप्त होता, काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिटेबल ये कैंडलस्टिक है शूटिंग स्टार और हैमर। तो हैमर बनता है जब हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा हो और बॉटम पे यहाँ पर हैमर फॉर्म होता है, और जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर बाय करते हैं। उसी तरह जब लंबा अप ट्रेंड चल रहा हो तो यहाँ पर शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होता है, शूटिंग स्टार का लो जैसे ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर सेल करते हैं और नीचे आकर के यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो हैमर बनता है लंबे डाउन ट्रेंड के बाद और शूटिंग स्टार बनता है लंबे अप ट्रेंड के बाद, दोनों ही कैंडल काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर ये भी एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और ये भी ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है कि अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो अब ये जो डाउन ट्रेंड है अब ये बन जाएगा बुलिश ट्रेंड, तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है। और ये कैंडल फॉर्म कैसे होता है, देखिए यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर जो है सेलर आया क्योंकि डाउन ट्रेंड है, सेलर इस प्राइस को नीचे लेके गया, लेकिन यहाँ पर फिर यहाँ पर बायर एग्रेसिव रूप से आ गया और इस प्राइस को काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले गया, काफ़ी ऊपर ले गया, लेकिन फिर यहाँ से सेलर आता है और इस प्राइस को नीचे लेके आता है और यहाँ पर जो ओपनिंग था और यहाँ पर क्लोजिंग हो जाता है। तो ये जो बॉडी हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का, अगर क्लोजिंग नीचे होगा तो रेड होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा तो ये हमारा ग्रीन होगा। तो ये जो बनता है इन्वर्टेड हैमर ग्रीन भी बन सकता है, रेड भी बन सकता है,
लेकिन यह दिखाता क्या है कि इस कैंडल में काफी एग्रेसिव रूप से बायर आया था, पहले से बायर नहीं था, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड था, प्राइस पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यह कैंडल दिखाता है कि यहाँ पर बायर आ चुका है। मतलब ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये बायर का एरिया है और यहाँ पर बायर आ चुका है। अब ये हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल आता है जो कि इसके हाई के ऊपर क्लोज होता है तो फिर ये कंफर्मेशन होगा और हम यहाँ पर बाय करेंगे और फिर इस ट्रेड को राइड करेंगे। तो इस कैंडल में भी हमें कलर का कोई मैटर नहीं पड़ता है, कलर रेड है या ग्रीन है, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा किसी भी ग्रीन कैंडल के द्वारा हम इसको बाय करेंगे। देखिए चार्ट पर हम देखें तो इस तरह से ये डाउन ट्रेंड था, प्राइस पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में था, चलते आ रहा था डाउन ट्रेंड में और यहाँ पर बना इन्वर्टेड हैमर। बस इसका बॉडी साइज जो है यहाँ पर छोटा सा है, बॉडी साइज काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ। फिर से एक यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनता है हमारे कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद तो देखिए प्राइस में क्या तेजी आया, प्राइस ऊपर चलता है, जो प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था वह डायरेक्ट यहाँ से अप ट्रेंड में हो गया। अब देखिए हम चार्ट पर और खोजते हैं इन्वर्टेड हैमर, तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना और प्राइस देखिए यहाँ से ऊपर गया। फिर देखिए हम नीचे चलते हैं तो इन्वर्टेड हैमर काफ़ी सारे आपको चार्ट्स पर मिल जाएंगे। इन्वर्टेड हैमर जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। तो देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना, प्राइस यहाँ से देखिए ऊपर गया। उसके बाद जो अगला कैंडलस्टिक आता है वो है हैंगिंग मैन। देखिए ये सारे जो नेम है वो जापानीज वर्ड है, हैंगिंग मैन मतलब फांसी पे लटका हुआ एक आदमी। तो ये सर इसका लटक रहा है, नीचे इसका शरीर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये बनता कैसे है, हमें प्राइस के मूवमेंट के अनुसार इसको समझना है तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके नाम के पीछे हमें नहीं जाना है, इसका यूज हम कैसे करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, चार्ट की रीडिंग में। अब देखिए ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, ये कैंडल जो एक लंबे अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है और ये भी ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है। अब अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। किस प्रकार, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर तो लंबा अप ट्रेंड था, प्राइस जा रहा था अप ट्रेंड में, यहाँ पर बायर आया, बायर प्राइस को ऊपर लेके गया, लेकिन यहाँ एग्रेसिव रूप से सेलर आ गया और प्राइस को यहाँ पर ये नीचे लेके आया, नीचे लेके आया। लेकिन अभी तो अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पर बायर काफ़ी ज़्यादा था, तो बायर फिर से आता है और प्राइस को ऊपर लेके चला जाता है। लेकिन ये हमें क्या सिग्नल दे गया, यहाँ पर अब जो अप ट्रेंड था वो अप ट्रेंड खत्म होने का सिग्नल ये दे रहा है कि यहाँ पर सेलर आ चुका है, क्योंकि पहले से कोई सेलर नहीं था, अप ट्रेंड कंटिन्यू था। अब यहाँ पर सेलर आया, सेलर प्राइस को काफ़ी नीचे लेकर आया, लेकिन फिर से बायर इसको ऊपर लेकर आया। लेकिन ये हमें सिग्नल दे गया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर मौजूद है, तो हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का कि अगर इसका लो ब्रेक होता है, इस हैंगिंग मैन का लो ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पर सेलर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और प्राइस को नीचे लेके जाएगा। यहाँ पर जो ओपनिंग हुआ, अगर क्लोजिंग इसके नीचे होता है तो ये हमारा क्या होगा, रेड हैंगिंग मैन। अगर क्लोजिंग इस ओपनिंग के ऊपर हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा हमारा ग्रीन हैंगिंग मैन। लेकिन सिर्फ इसके देखने से हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता है तब तक ये कैंडल एक्टिव नहीं होगा। तो सारे कैंडल में हमने पढ़ा है मारुपोजो को सिर्फ छोड़ करके, मारुपोजो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को दिखाता है कि अगर बुलिश मारुबाजू है प्राइस ऊपर ही जाएगा, ग्रीन मारुबाजू और वहीं रेड मारुबाजू आ गया मतलब बेरिश मारुबाजू तो प्राइस नीचे ही जाएगा, तो वहां पर हमें उतना दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहां पर जो और सारे कैंडल है, हैमर हो, हैंगिंग मैन हो, शूटिंग स्टार हो, जब तक इसका लो ब्रेक ना हो जाए तब तक हम बेरिश नहीं होंगे और बुलिश कैंडल में जब तक हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक हम वहां पर बुलिश नहीं होंगे। तो चलिए चार्ट पर हम देख लेते हैं किस तरह से हैंगिंग मैन को हम ट्रेड करेंगे। देखिए यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पर फिर से प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में यह पुल बैक दिया, फिर यहाँ पर बनाया हैंगिंग मैन। देखिए कितना बेहतरीन ये हैंगिंग मैन, ऊपर ये थोड़ा सा वीक है, इसको इग्नोर करना है। प्रैक्टिकल वे में हमें कोई आइडियल हैंगिंग मैन नहीं मिलेगा, कोई आइडियल शूटिंग स्टार नहीं मिलेगा, कोई आइडियल हैमर नहीं मिलेगा, तो इसको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ हैंगिंग मैन बना, जैसे इसके पिछले कैंडल के लो को ब्रेक करें तो ज़्यादा बेटर होगा, या कम से कम इस कैंडल के लो को हम ब्रेक करने का वेट करेंगे। ब्रेक किया तो देखिए प्राइस नीचे चलता गया, ज़्यादा बेटर होगा कि आप इसके पीछे का जो कैंडल है उसके लो ब्रेक करने का इंतजार करें। यहाँ पर आप ट्रेड लेते, फिर यहाँ पर आपका ये यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, 1:1 कम से कम आप टारगेट रखते, आसानी से आपको यहाँ पर अचीव होता। देखिए कितना बेहतरीन ये काम करता है हैंगिंग मैन। अब देखिए दूसरे हैंगिंग मैन को खोजते हैं, तो ये देखिए ये भी हैंगिंग मैन है, लेकिन ये यहाँ पर ट्रेंड जो है अभी अप ट्रेंड नहीं चल रहा है,
अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू ही हुआ है, तो बीच में ट्रेंड के बीच में कोई भी कैंडल बनता है जो कि ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो आप फिर से लंबे जो ट्रेंड होता है लंबे ट्रेंड के बाद हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये प्राइस यहाँ से जा रहा है अप ट्रेंड ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए हैंगिंग वेन बना, ऊपर का वीक जो है थोड़ा सा इग्नोर करना है। तो यहाँ पर बनने के बाद देखिए ये प्राइस कभी भी इसके ऊपर नहीं गया, फिर प्राइस यहाँ पर नीचे चलता चला गया। तो यहाँ पर आप इसके लो को ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेते हैं, काफी अच्छा यहाँ पर आपको प्रॉफिट प्राप्त होता। तो यहाँ पर देखिए 1:1 का टारगेट जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया इसके ऊपर, ये देखिए यहाँ पर 1:1 का टारगेट आपको आसानी से प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप हैंगिंग मैन को ट्रेड कर सकते हैं जो कि काफी प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद अगला जो कैंडल है वो है स्पिनिंग टॉप। अब देखिए स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है कैसे फॉर्म होता है, इसको लॉजिक को समझ लेते हैं तो आप आसानी से उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये ओपन हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद प्राइस जो है ऊपर गया, ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ पर सेलर आया नीचे लेकर आया, फिर प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर क्लोज हो गया। अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ तो ये देखिए बॉडी जो है ग्रीन होगा, अगर नीचे क्लोज होता तो बॉडी रेड होता। देखिए इस कैंडल में क्या हुआ, पहले बायर आया, बायर आया, फिर एग्रेसिव रूप से यहाँ पर सेलर आया, फिर यहाँ पर लास्ट में एग्रेसिव रूप से बायर आया। मतलब इसमें कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि इस कैंडल में बायर है, मतलब ये जो कैंडल हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना तो एग्रेसिव रूप से बायर का दे रहा है ना तो सेलर का, क्योंकि इसमें दोनों आया है, पहले बायर आया फिर सेलर आया फिर एग्रेसिव रूप से बायर आया। मतलब यहाँ जो लड़ाई है दोनों के बीच का वो बराबर का है, तो मुकाबला बराबर का हो। अगर ये अपट्रेंड है तो यहाँ पर बायर के बराबर सेलर आ चुका है, मतलब ये अपट्रेंड हो सकता है अब यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाए। वहीं अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों बराबर हो चुका है, तो मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था ये हो सकता है अब डिसकंटिन्यू हो जाए, मतलब यहाँ पर लास्ट कर जाए। इसके बाद अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलता है तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, कोई बेयरिश कैंडल मिलता है तो बेयरिश ट्रेड लेंगे। मतलब ये कैंडल हमें एक जो ट्रेंड पहले से चल रहा था वो इन्फॉर्मेशन देता है कि वो ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो सकता है, लेकिन जब ये लंबे अप ट्रेंड के बाद या डाउन ट्रेंड के बाद बने तब, अगर कहीं बीच में बनता है तो इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये एक इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर बायर और सेलर दोनों इक्वल हो चुका है। तो अब यहाँ पर आगे जो भी डोमिनेट होगा, अगर सेलर डोमिनेट होगा प्राइस नीचे जाएगा, बायर डोमिनेट होगा प्राइस ऊपर जाएगा। चलिए देखते हैं स्पिनिंग टॉप कैसे काम करता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखें इस चार्ट को, तो यहाँ पर स्टॉक लगातार नीचे आ रहा था, अब यहाँ पर बना स्पिनिंग बॉटम, बॉटम पर बने तो बॉटम बोलेंगे, ऊपर बने तो स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया, प्राइस ऊपर चला गया, तो ये बताया कि यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो सकता है। अब ये कौन बताएगा कि यहाँ प्राइस ऊपर जाएगा, तो ये जो अगला कैंडल बना ये बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडल है जो कि बताता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, आप यहाँ पर बाय करेंगे, अच्छा खासा देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बनता, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता, यहाँ पर आप बाय करते और 1:1 का यहाँ पर आसानी से आपको टारगेट अचीव हो जाता। अब देखिए यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में था, यहाँ पर प्राइस फिर से अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया, लेकिन यहाँ पर बना स्पिनिंग टॉप। देखिए ये फिर से एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप बनाया, इसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर नहीं गया। अब ये इस स्पिनिंग टॉप के बनने के बाद प्राइस ऊपर तो नहीं गया, अब प्राइस जाएगा किधर ये बताएगा अगला कैंडल। ये बना एक बेयरिश कैंडल जो कि बता रहा है प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर बना एक देखिए स्पिनिंग बॉटम, फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे जाना बंद हो गया, फिर से बना एक देखिए यहाँ पर स्पिनिंग बॉटम, मतलब ये नीचे बन रहा है तो हम बॉटम बोलेंगे, ऊपर बनेगा तो स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। फिर से देखिए यहाँ पर प्राइस एक बुलिश कैंडल बना, ये बुलिश कैंडल बना और यह प्राइस ऊपर चला गया। अब देखिए इसके बनने के बाद यहाँ पर जो कैंडल बना था ये भी एक स्पिनिंग टॉप ही था, तो जब तक हम कोई बुलिश कैंडल प्राप्त ना कर लेते हैं या बेयरिश कैंडल तब तक हम ट्रेंड को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए ऊपर भी काफ़ी बड़ा वीक है नीचे भी वीक है, तो ये भी एक तरह का स्पिनिंग टॉप ही है। मतलब यहाँ पर ये कैंडल भी क्लियर नहीं हमें सिग्नल दे पाया कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, मतलब प्राइस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग रूप से बुलिश है, ये सिग्नल हमें कैंडल नहीं दिया। तो कौन दिया, इस कैंडल ने दिया था, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हम इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और देखिए यहाँ पर 1:1 का टारगेट आपको आसानी से प्राप्त हो गया। तो कुछ इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं स्पिनिंग टॉप को, स्पिनिंग बॉटम को। उसके बाद जो अगला कैंडल है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी हमने देखा हैमर, हैमर बनता था कुछ इस तरह से, लेकिन इसी में जब ये ओपनिंग जो है
इक्वल हो जाए क्लोजिंग के, तो कुछ इस तरह का कैंडल बनेगा। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खियों के आकार का ये है, उसको इंग्लिश में हम ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। तो ये एक बुलिश कैंडलिक स्टिक है, और जब लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर बन जाए हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी, तो यहाँ से हो सकता है अब जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होकर के अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, जो कि बताएगा अगला कैंडल। अगर यहाँ अगला कैंडल बुलिश कैंडल बनता है तो ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया और अब यहाँ से अप ट्रेंड चलेगा। ये कैंडल फॉर्म कैसे हुआ, तो देखिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे लाया सेलर ने, और फिर यहाँ पर बायर आया और प्राइस को ऊपर लेके चलाया। तो जितना सेलर नीचे ले गया था और अंत में उतना ही बायर यहाँ से एग्रेसिव हो गया और बायर यहाँ पर उस प्राइस तक ले आया जहाँ से सेलर नीचे ले गया था। अब यहाँ पर इस मतलब इसको ब्रेक करता है या इसके पीछे वाला जो कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करे तो ज़्यादा बेटर होगा, एक कन्फर्म ट्रेड आप ले सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट आपको मिलेगा, क्योंकि यह ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है। देखिए यहाँ चार्ट पर, जैसे यहाँ पर देखिए स्टॉक्स लगातार नीचे आ रहा है, यहाँ पर बना ड्रैगन फ्लाई डोजी, क्योंकि यहाँ पर तो बॉडी तो है ही नहीं इसी हैमर का, जब हैमर में बॉडी ना हो तो उसी को हम ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। यहाँ से देखिए स्टॉक लगातार ऊपर गया और काफी ऊपर गया, स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर डाउन ट्रेंड अब यहाँ पर बना डोजी, देखिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और बना, इसके बाद स्टॉक कहाँ गया ऊपर। तो इस तरह से आप ड्रैगन फ्लाई डोजी को ट्रेड कर सकते हैं, जैसे इसके प्रीवियस कैंडल का हाई है इसको ब्रेक होता है तो ये हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर आप ट्रेड लेंगे और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे। तो देखिए ये 1:1 का आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आसानी से प्राप्त हो गया, कभी कभी आपको काफी प्रॉफिटेबल ट्रेड भी इसमें मिलेगा। देखिए अगला कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी, जो कब्र का पत्थर होता है, कब्र के पत्थर के नाम पे रखा गया है, कब्र का पत्थर ऊपर से क्या होता है नीचे यहाँ पर धसा हुआ होता है, तो इसी तरह से ये बनता है। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के जस्ट उल्टा है, ये लंबे अप ट्रेंड के बाद बनता है और लंबे अप ट्रेंड के बाद ये ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है कि अब अप ट्रेंड खत्म होने वाला है, अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये कैंडल जो है बेरिश कैंडलस्टिक है। अब देखिए ये कैंडल बनता कैसे, इसके लॉजिक को समझ, जब तक आप लॉजिक को नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ओपन हुआ प्राइस ओपन होने के बाद जो है डायरेक्ट ऊपर चला गया, मतलब अप ट्रेंड था, यहाँ पर बायर अब ऊपर ले गया प्राइस को, लेकिन लास्ट क्षण में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर है, सिर्फ और सेलर एग्रेसिव रूप से आया और प्राइस को नीचे लेके आ गया। तो इस तरह से ये बनता है हमारा ग्रेवस्टोन डोजी। तो यहाँ पर लास्ट में कौन एग्रेसिव रूप से था, सेलर, तो ये बताता है कि अब यहाँ पर सेलर आ चुका है, जो लंबा एक अप ट्रेंड था अब ये ट्रेंड खत्म हो सकता है, और जैसे इसके पीछे का जो कैंडल है उसका लो ब्रेक होगा, तो लो ब्रेक होने के बाद हम इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अब देखिए इस स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था, फिर ये स्टॉक आया नीचे पुल बैक किया और फिर से अप ट्रेंड, और यहाँ पर बना देखिए ग्रेवस्टोन डोजी। जैसे ग्रेवस्टोन डोजी बनता है इसके लो को ब्रेक करता है, आप यहाँ पर सेल करते और देखिए अच्छा खासा यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर भी स्टॉक और ज़्यादा नीचे आया है तो आप आसानी से इसको ट्रेड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वहीं पर देखिए यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था ये डाउन ट्रेंड के बाद, यहाँ पर बनाया था ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो जब नीचे बनता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ऊपर बनता है इसको ग्रेवस्टोन डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो जो बेरिश ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड में बदल जाता है, और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है तो ये बुलिश ट्रेंड को बदल दिया बेरिश ट्रेंड में। लेकिन ये कंफर्मेशन कब होगा, जब इसके बाद हमें कोई रेड कैंडल मिले। देखिए रेड कैंडल बना, इसके लो को ब्रेक किया तो आप यहाँ पर आराम से सेल करते, और जैसे यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, यहाँ पर बुलिश कैंडल बना और इसके ऊपर आप यहाँ पर बाय करते, अच्छा खासे यहाँ पर प्रॉफिट राइड करते। अब देखिए सिंगल कैंडलस्टिक में डोजी कैंडलस्टिक का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो सारे डोजी कैंडलस्टिक एक जगह आपको बताते हैं। देखिए ये है डोजी स्टार कैंडलस्टिक, मतलब ये छोटा सा ऊपर वीक होगा नीचे छोटा सा वीक होगा। देखिए इस कैंडल का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये लंबे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद बने तो ये भी बताता है कि यहाँ पर जो है बायर और सेलर इक्वल हो चुका है, तो ये ट्रेंड जो है खत्म हो सकता है। और ये एक लॉन्ग लेग डोजी है, ये कब आता है, जब कोई स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो। यहाँ पर आया एग्रेसिव रूप से बायर ऊपर ले गया, फिर एग्रेसिव रूप से सेलर नीचे लाया, ये जब स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो तो उसमें बनता है। ये लेस वोलेटाइल स्टॉक में स्टार डोजी बनता है, तो लॉन्ग लेग डोजी बनेगा आपको जो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। उसके बाद ये हो गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एक लंबे डाउन ट्रेंड के बनता है और ये ट्रेंड रिवर्सल को दिखाता है। जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल से इसका हाई ब्रेक होता है तो हम इसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं। फिर यह ग्रेवस्टोन डोजी एक लंबे
अप ट्रेंड के बाद, जब लंबा अप ट्रेंड हो उसके बाद ये बनता है, और जैसे इसका लो ब्रेक हो तो यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि अब बुलिश ट्रेंड जो है रिवर्स होकर के बेयरिश ट्रेंड बन जाएगा। फिर आता है फोर प्राइस डोजी, ये एक न्यूट्रल डोजी है जो किसी भी मतलब ट्रेंड रिवर्सल को या ट्रेंड के खत्म होने को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। तो फोर प्राइस डोजी आपको देखने मिलेगा। जनरली जिस स्टॉक में सर्किट लगता है उस स्टॉक के चार्ट पर आपको फोर प्राइस डोजी ज़्यादा देखने मिलेगा। मतलब यहाँ पर हुआ कि ना तो बायर आया ना तो सेलर, स्टॉक जिस प्राइस पर ओपन हुआ उसी पर क्लोज हुआ, बस उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रेड किया। तो जहाँ पर फोर प्राइस डोजी बने मतलब यहाँ ना तो बायर है ना तो सेलर है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इनडिसिजिव है। तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा बायर आता है या सेलर। जनरली जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने का संकेत देता है फोर प्राइस डोजी। ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।